हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुल अवस्थी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइक्लो कन्वर्टर के बारे में जाना कि साइक्लो कन्वर्टर क्या है और ये किस तरीके से अलग है रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर कॉम्बिनेशन से। आज के लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे और इसका आउटपुट वेवफॉर्म जो भी हो सकती है वो हम देखेंगे। तो जो इसका सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का वो इस तरीके का है कि सपोज ये ट्रांसफॉर्मर एंड इट इज सेंटर ट्रैप टाइप एंड यहाँ पे आपने एसी वोल्टेज कंट्रोलर टाइप स्विच लगा रखे बैक टू बैक और पीछे भी आपने नीचे भी आपने एसी वोल्टेज कंट्रोलर टाइप बैक टू बैक स्विच और यहाँ सेंटर टैप एंड इसके बीच में लोड। दिस इज लोड। तो ये सर्किट डायग्राम है। सपोज हम थायरिस्टर की नंबरिंग कर देते हैं और थायरिस्टर की नंबरिंग के लिए मैं अगर अब एसी जो इनपुट है वो पॉजिटिव दोनों साइकिल हैं पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। अगर पॉजिटिव साइकिल होगा तो ऊपर अगर पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव और अगर नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो अगर दोनों साइकिल में बात करें तो अगर मैं इन थायरिस्टर की नंबरिंग कर दूँ दिस इज थायरिस्टर नंबर 1 दिस इज 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4 सो 1 2 3 4। तो अगर पॉजिटिव साइकिल की बात करें और ग्रीन वाले सिंबल की बात करें प्लस माइनस की तो कौन कौन से थायरिस्टर ऑन हो सकते हैं थायरिस्टर को ऑन करना कि नहीं करना। इट इज़ नॉट लाइक डायोड की जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ वो कंडक्ट कर गया। यहाँ पे डायोड में क्या है कि जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आया वो कंडक्ट कर गया आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन थायरिस्टर में क्या है कि थायरिस्टर आपको ऑप्शन देता है कि ये ऑन हो सकते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको ऑन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं बाई अप्लाइंग एडिशनल गेट पल्सेस। सो पॉजिटिव साइकिल मतलब ग्रीन सिंबल प्लस माइनस में कौन कौन से थायरिस्टर ऑन हो सकते हैं। तो इन पॉजिटिव साइकिल ऑफ सप्लाई कौन से थायरिस्टर हो सकते हैं T1 हो सकता है थायरिस्टर 1 और कौन सा हो सकता है नीचे साइड से T2 तो नहीं हो सकता नीचे साइड से आई थिंक T4 हो सकता है आप देखो। एंड इन नेगेटिव साइकिल ऑफ सप्लाई कौन कौन से ऑन हो सकते हैं अब आप ब्लू वाले सिंबल देखो प्लस माइनस तो आपको साफ साफ पता चलेगा T2 ऑन हो सकता है एंड T3 ऑन हो सकता है। तो आप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पॉजिटिव साइकिल में T1 एंड T4 ऑन हो सकते हैं एंड नेगेटिव साइकिल में T2 एंड T3 ऑन हो सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और आपको जो नोटिस करनी है कि सपोज आउटपुट वोल्टेज का जो हम सिंबल ले रहे हैं वो हम इधर पॉजिटिव मान रहे हैं इस साइड राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान रहे हैं इधर साइड नेगेटिव मान रहे हैं एंड आउटपुट इज V0 एंड सपोज दिस इज Vs एंड दिस इज ऑल्सो Vs जो मतलब आई मीन दो भागों में जो वोल्टेज बांटा गया है तो ऊपर वाले का भी Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी एंड नीचे वाले का भी Vs Vm sin ओमेगा टी हम ये मान के चल रहे हैं। तो जब T1 ऑन हो रहा है स्विच थायरिस्टर अगर सपोज करो T1 ऑन हो गया तो ये कब हो सकता है पॉजिटिव साइकिल में हो सकता है। और दूसरा अगर T1 ऑन है तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा
अगर टी वन ऑन है, इफ टी वन ऑन है तो जो वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू वी एस, इसी टाइम पे कौन और ऑन हो सकता है, आपको ऑप्शन क्या है, टी फोर भी ऑन हो सकता है, तो अगर टी फोर ऑन है तो जो वी नॉट है तब ये कितना हो सकता है, माइनस वी एस हो जाएगा। आप देखो वी एस, वी एस आपको पता है प्लस माइनस सिंबल, अगर टी फोर ऑन हो जाएगा तो ये माइनस वाला किधर पहुंच जाएगा, प्लस के पास पहुंच जाएगा, तो इस तरीके से वी नॉट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वी एस हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव साइकिल ऑफ द सप्लाई में आप आउटपुट वोल्टेज दोनों ले सकते हो, प्लस वी एस भी ले सकते हो और माइनस वी एस भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप टी वन ऑन कर रहे हो साइकिल में तो आपको आउटपुट वोल्टेज प्लस वी एस मिलेगा, अगर आप टी फोर ऑन कर रहे हो तो माइनस वी एस मिलेगा। इन द सेम वे नेगेटिव साइकिल में अगर टी थ्री ऑन है एंड टी टू ऑन है, तो अगर टी थ्री ऑन है, टी थ्री और नेगेटिव साइकिल है, मतलब ब्लू वाले सिंबल देखोगे आप सप्लाई के प्लस माइनस, तो अगर टी थ्री ऑन है तो वी नॉट इक्वल टू वी एस प्लस वी एस, और इसी साइकिल में टी टू भी ऑन हो सकता है, और अगर टी टू ऑन हो रहा है, टी टू ऑन हो रहा है तो आप जो आउटपुट वोल्टेज है इट विल बी माइनस वी एस, नेगेटिव साइकिल ऑफ द सप्लाई। इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है कि हम पॉजिटिव साइकिल में भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्लस माइनस ले सकते हैं और नेगेटिव साइकिल में भी हम प्लस माइनस ले सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज लेना है तो टी वन ऑन करो, अगर नेगेटिव साइकिल में आपको पॉजिटिव वोल्टेज लेना है तो टी थ्री ऑन करो, तो है ना। और अगर नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव साइकिल में पॉजिटिव साइकिल में अगर आपको नेगेटिव वोल्टेज लेना है तो टी फोर ऑन करो, और नेगेटिव साइकिल में भी आपको नेगेटिव वोल्टेज लेना है तो टी टू ऑन करो। अब मैं सप्लाई वोल्टेज खींचता हूँ, वे फॉर्म खींचता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। सपोज दिस इज द सप्लाई वोल्टेज वी एस एंड यू नो वॉट इज द फ्रिक्वेंसी, दिस इज टाइम पीरियड राइट, एंड फ्रिक्वेंसी इज वन अपॉन टी। अब पॉजिटिव साइकिल में अगर हम बात करें कन्वर्टर की, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, टी वन एंड टी फोर, टी वन एंड टी फोर आप यहाँ पे देख लो। पॉजिटिव साइकिल में आप कौन कौन से ऑन कर सकते हो, आप टी वन एंड टी फोर, और नेगेटिव साइकिल में टी थ्री एंड टी टू। मैं पॉजिटिव साइकिल में, इस पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव आप कंफ्यूज ना हो, और पॉजिटिव साइकिल में मैं इसको ऑन कर रहा हूँ अल्फा इक्वल टू जीरो पे, अल्फा इक्वल टू जीरो है और मैं टी वन को ऑन कर रहा हूँ, तो जैसे ही टी वन को ऑन किया तो वी नॉट इक्वल टू वी एस और जो आपको आउटपुट ये मिल गया, कौन है ऑन है, टी वन ऑन है। नेगेटिव साइकिल में कौन ऑन हो सकता है, टी टू एंड टी थ्री, और मैं ऑन क्या कर रहा हूँ, मैं टी थ्री ऑन कर रहा हूँ, टी थ्री, और जैसे ही टी थ्री ऑन किया तो जो आपको आउटपुट वोल्टेज हो प्लस वी एस है, नेक्स्ट साइकिल में जब पॉजिटिव आया तो अब मैं यहां पे टी वन ना ऑन करके मैं कर रहा हूं टी फोर ऑन, क्या कर रहा हूं टी फोर ऑन,
और जैसे ही टी फोर ऑन करूँगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी माइनस वी एस, एल्फा इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, सब जगह एल्फा इक्वल टू जीरो, दिस इज वी नॉट। और जैसे हमने टी फोर ऑन किया तो ये जो टी फोर एंड नेगेटिव साइकिल में जब आया तो मैंने टी थ्री ऑन ना करके मैंने टी टू ऑन किया, और जैसे टी टू ऑन किया फिर से नेगेटिव एंड सेम वे अगेन, फिर टी वन टी वन टी थ्री एंड टी फोर। तो जो आउटपुट वोल्टेज है दिस इज ऑल्सो ए सी, एंड फ्रिक्वेंसी अगर इसकी देखें, अब जो टाइम पीरियड इस सिग्नल का देखें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज नॉट दिस, आई मीन टी, दिस इज टू टी। अगर टाइम पीरियड टू टी हो गया तो जो फ्रिक्वेंसी है वो एफ एफ नॉट इक्वल टू आई मीन एफ एस बाई टू, तो आपने फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर ली। हाँ, फ्रिक्वेंसी कम हो गई, इनपुट फ्रिक्वेंसी से अगर देखा जाए तो हाफ हो गई, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा स्टेप डाउन, बिकॉज फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। लेकिन एक चीज़ पक्का है कि जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है इट इज़ नॉट अ प्योर साइन वेव, इट इज नॉट प्योर साइन वेव हार्मोनिक्स। इसका मतलब हार्मोनिक्स होंगे। इस हार्मोनिक्स को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक अपनाई जाती है, इसको बोलते हैं PWM टेक्निक। PWM आपने वहाँ पे ही पढ़ रखा होगा इन्वर्टर में, यहाँ पे भी कुछ ऐसे किया जाता है। अगर आपको अभी तो स्टेप डाउन देखा आपने, और अगर स्टेप अप करना है तब क्या कर सकते हैं, तो केवल इस कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, कौन पॉजिटिव दे रहा है कौन नेगेटिव दे रहा है। तो अगर सप्लाई वोल्टेज ये है, समथिंग दिस इज VS एंड टाइम पीरियड इज दिस, दिस इज पॉजिटिव साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव साइकिल। अब आप एक चीज देखो, इस पॉजिटिव साइकिल में दोनों ऑन हो सकते हैं, T1 भी ऑन हो सकता है और T4 भी ऑन हो सकता है। इस नेगेटिव साइकिल में दोनों ऑन हो सकते हैं, T2 भी ऑन हो सकता है एंड T3 भी ऑन हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइकिल में जब T1 ऑन हो रहा है तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट, अगर T4 ऑन हो रहा है तो नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। सेम इन केस ऑफ नेगेटिव साइकिल, अगर T2 ऑन हो रहा है तो नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, अगर T3 ऑन हो रहा है तो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि एक साइकिल में मुझे कई बार T1, T2, T4 ऑन कराना है। तो जब मैं T1 ऑन करा रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो सप्लाई वोल्टेज ऐसे जा रहा है, VS को फॉलो करेगा, उसके बाद आपने इस स्टैंड पे आपने T4 ऑन कर दिया T4 को, और जैसे ही आपने T4 को ऑन किया, ये जो VS है वो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस VS। तो आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा, माइनस VS। आप इस तरीके का ये डॉटेड कर लो ताकि आपको वेवफॉर्म खींचने में आसानी रहे, एनवलप बना देते हैं। फिर जैसे ही T1 ऑन किया आपने, तो फिर से पॉजिटिव ऑन चलने लगा, फिर आपने नेगेटिव ऑन कर दिया, T4 ऑन कर दिया, फिर आपने पॉजिटिव कर दिया, फिर नेगेटिव कर दिया, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आके T3 ऑन किया, फिर T2, फिर T3, फिर T2, फिर T3, फिर T2, इस तरीके। तो अल्टीमेटली यार आप देखो, तो अगर इसकी फ्रिक्वेंसी देखो तो जो टाइम पीरियड T होता था वो टाइम पीरियड कितना हो गया, इतना हो गया,
ये टी हो गया। मैं ये बात मानता हूँ कि जो एसी है वो परफेक्ट एसी नहीं है, लेकिन एसी है, मतलब आई मीन परफेक्ट साइनोसॉइडल नहीं है, सॉरी, एसी तो है लेकिन परफेक्ट साइनोसॉइडल नहीं है, लेकिन एसी तो है, और टाइम पीरियड काफ़ी कम हो गया एज कम्पेयर टू, इसको मैं टी न्यू बोलता हूँ, टी न्यू, तो टी न्यू है वो टी से बहुत कम है, तो जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी आउटपुट विच इज़ नथिंग बट वन अपॉन टी न्यू, इट इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन टी, दैट इज एफ एस। तो इस टाइप को कन्वर्टर को बोलते हैं, इस साइक्लो कन्वर्टर को बोलते हैं स्टेप अप। हारमोनिक्स की मैंने बोला, हारमोनिक्स की एक प्रॉब्लम है, उसकी एक अलग टेक्निक है, हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये था सिंगल फेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी साइक्लो कन्वर्टर। आप मैग्नीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो थायरिस्टर का फायरिंग एंगल कंट्रोल करके, और फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर सकते हो बाय स्विचिंग बिटवीन T1 एंड T4 एंड T2 एंड T3। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू वॉच दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन, यू विल लेट लेट इट नो एंड रीड सम गुड बुक्स आई विल शेयर इन गूगल क्लासरूम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।